हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की टिप्स में मैं आपको बालों को लंबा, घना और काला बनाने का बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। यह नुस्खा बहुत ज्यादा कारगर है बालों की ग्रोथ को तेज करने में, साथ ही बालों को घना, मोटा और काला बनाने में। इसके अलावा अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं तो ये उसे भी दूर करेगा, यानी कि आपके बालों के टूटने झड़ने को दूर करेगा और बालों की ग्रोथ को तेज कर देगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन यानी घंटी को जरूर क्लिक करें मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मेथी। आपको मेथी दाना लेना है। मेथी हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज कर देता है। इसके इस्तेमाल से बालों की जड़ें मजबूत होती है, जिससे बालों का टूटना झड़ना भी बंद हो जाता है। साथ ही यह हमारे बालों को असमय सफेद होने से भी बचाता है, यानी कि यह हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। आपको मेथी दाना लेना है और इसे रात को भिगो देना है। रात को इसे पानी में भिगो करके रखना है पूरी रात के लिए। सुबह इसका पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। यहां मैंने पहले से पेस्ट इसका तैयार करके रखा हुआ है। इस तरह से आपको मेथी का पेस्ट ले लेना है। यह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है दही। आपको इसमें दही मिक्स करना है लगभग 2 चम्मच। दही हमारे बालों को मजबूत बनाता है, साथ ही अगर बालों में रूखापन है तो ये उसे दूर करता है, बालों को नरम, मुलायम और चमकदार बनाता है। दही के इस्तेमाल से बाल सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। आप कोई सा भी नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, या इसमें आप अपनी जो भी तेल आप यूज करते हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसमें आपको 2 चम्मच नारियल का तेल मिक्स कर लेना है। नारियल का तेल भी हमारे बालों को तेजी से लंबा, घना और काला बनाता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से बालों की जड़ें मजबूत होती है, बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके बाल रूखे हैं तो ये बालों के रूखेपन को दूर करेगा, बालों को शाइनी बनाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगा के 2 से 4 मिनट तक आपको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद इसे लगभग आधे घंटे के लिए अपने बालों में लगा के रखें, फिर आप अपने बालों को धो लें। आप चाहे तो शैम्पू कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको हफ्ते में 3 से 4 बार करना है। आपको इसे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है बालों को लंबा करने में, बालों को काला और घना बनाने में, साथ ही बालों को टूटने झड़ने से भी बचाने में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।